फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्राची आपके साथ। टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज के घर इस वक्त बच्चों की किलकारियां गुंजी है और कई सारी एक्ट्रेसेस जल्दी मां बनने वाली है। लेकिन आपको बता दें, बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कभी मां न बनने का फैसला किया है। जी हाँ, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने निजी कारणों की वजह से कभी बच्चे पैदा न करने का फैसला किया है। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में। इस लिस्ट में नंबर एक पर है रुबीना दिलेक। टेलीविजन की छोटी बहू और बिग बॉस 14 के विनर रह चुके रुबीना दिलेक ने 2018 में अभिनव शुक्ला के साथ शादी की। कुछ समय पहले रुबीना के प्रेगनेंसी की खबरें सामने आई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नकार दिया। यहां तक कि रुबीना ने मां न बनने का फैसला किया है। रुबीना का मानना है कि पेरेंट्स बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है और जब तक आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तब तक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो रुबीना मां नहीं बनना चाहती, लेकिन शायद वो भविष्य में अपने फैसले को बदल लें। इस लिस्ट में नंबर दो पर है पारुल चौहान। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में सुवर्णा गोयनका के किरदार में नजर आ चुकी एक्ट्रेस पारुल चौहान ने 2018 में चिराग ठक्कर से शादी की थी। वहीं पारुल ने अपने व्यक्तिगत पसंद से मां न बनने का फैसला किया है। उनके पति भी उनके इस फैसले में उनके साथ हैं। पारुल ने बताया है कि मैं बच्चे नहीं चाहती और मैं इस फैसले को लेकर बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन जब वे किसी और के हों। पारुल के इस फैसले में उनके ससुराल वाले भी उनका सहयोग करते हैं। लिस्ट में अगला नंबर है कविता कौशिक का। सीरियल FIR की मुख्य एक्ट्रेस कविता कौशिक ने भी बच्चे पैदा न करने का फैसला लिया है। कविता के अनुसार वो अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना चाहती। उनका मानना है कि अगर वो 40 की उम्र में माँ बनती है तो जब वो बुढ़ापे को छू लेगी तब उनका बच्चा 20 साल का होगा। इसलिए कविता नहीं चाहती कि उनका बच्चा 20 साल की उम्र में बूढ़े माता पिता की देखभाल करे। इस फैसले में कविता के पति भी उनके साथ हैं। लिस्ट में अगला नंबर है विद्या बालन का। विद्या बालन ने 10 साल पहले 2012 में सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की थी। शादी के बाद कई बार विद्या की प्रेगनेंसी की खबरें सामने आती रही, लेकिन उन्होंने हर बार इसे अफवाह करार दिया और उन्होंने बताया है कि उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है। विद्या ने मां न बनने को लेकर कहा था कि वो जो भी फिल्में करती है वही उनके लिए उनका एक नया बच्चा होता है, तो ऐसे में उनके 20 बच्चे हैं। फिलहाल विद्या अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान काम पर लगाना चाहती है। लिस्ट में अगला नंबर है आयशा जुल्का का। इस लिस्ट में पॉपुलर एक्ट्रेस आयशा का नाम भी शामिल है। आयशा जुल्का को भी मां नहीं बनना है। उनके अनुसार उनके कोई बच्चे नहीं हैं क्योंकि वो बच्चे नहीं चाहती थी। आयशा अपने काम और सोशल लाइफ पर बहुत ज़्यादा समय खर्च करती है और इस वजह से वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाएगी। इस वजह से आयशा ने मां न बनने का फैसला लिया। आयशा के इस फैसले में उनके परिवार के लोग भी उनके साथ हैं। लिस्ट में अगला नंबर है नूपुर अलंकार का। सीरियल सौरागिनी और दिया और बाती हम जैसे सीरियल्स में नजर आ चुकी एक्ट्रेस नूपुर अलंकार ने भी कभी मां न बनने का फैसला किया है। नूपुर ने अपने 3 मिसकैरेजेस के बाद यह फैसला लिया है। हालांकि नूपुर सरोगेसी के जरिए बच्चे चाहती थी, लेकिन उनके पति सरोगेसी के खिलाफ थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।